ललितपुर में चौकीदारों ने मानदेय बढ़ाने सहित 8 मांगों के लिए दिया ज्ञापन। मामला ललितपुर जनपद के गांव में चौकीदारी कर रहे लोगों से जुड़ा है, जो गांव में कोई भी सूचना थाने तक पहुंचाने का काम करते हैं। गांव की जो भी गतिविधियां हैं उसका रजिस्टर भी हफ्ते में एक दिन थाने जाकर देना पड़ता है। इसके बावजूद उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। उनका कहना है कि हमें केवल 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, जबकि हमारा वेतन महंगाई और वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10000 रुपए प्रति माह करना चाहिए, एवं जो भी चौकीदार की मृत्यु हो चुकी है उसकी जगह पर उसके बच्चे को नौकरी दी जानी चाहिए। इस प्रकार 8 मांगों को लेकर चौकीदार यूनियन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। ललितपुर से सविता राजपूत की रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है? हमारा लखनलाल है सर, लखनलाल श्रीवास। कहाँ के निवासी? ग्राम भारोनी के हैं सर। क्या है मामला बताएं? सर जी हम लोग चौकीदार हैं और दिन रात हम लोग ड्यूटी करते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है ड्यूटी का सर, समय नहीं है कोई क्लियर, और हम लोगों की तख्ती की वजह सर रजिस्टर रखना अनिवार्य है। और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं सर, गांव में कोई भी समस्या होती है तो रात में या सुबह आते हैं तो 1 बजे दरोगा जी खटखटाते हैं चौकीदार। हम लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा लगा के चलते हैं सर, रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटा हम लोग पुलिस की सेवा में लगे रहते हैं सर। क्या है समस्या? समस्या सर ये है कि हम लोग को 2500 रुपये मिलता है, आज की तारीख में भत्ता मिलता है, चाहे वेतन मान लो चाहे भत्ता मान लो सर, तो 2500 रुपये में सर हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। बच्चों की पढ़ाई है सर, पिताजी की तबीयत है, यानी अन्य कई कारण हैं ऐसे जो कि 2500 में सर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो श्रीमान जी से हम अनुरोध करते हैं सर हम लोगों का तनख्वाह बढ़ाई जाए। कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं सर ये कि ग्राम चौकीदार भाइयों को बताएं। हाँ सर हमारी 8 मांगे हैं, लगभग 8 मांगे हैं, और जिनके मतलब पिताजी एक्सपायर हो गए सर उनके बच्चों को नौकरी दिलाई जाए और हम लोगों की तनख्वाह में वृद्धि की जाए।